वेलकम अगेन। जिस पर्पस के लिए जमा हुए और दूसरा पर्पस क्या है कि हम आईटी में रहते हैं, किस चीज को हैंडल करेंगे, रूम से रिलेटेड चीजों को हैंडल करेंगे। अब पहला सवाल ये होता है कि किसी रूम में क्या उस एनवायरनमेंट के हवाले से क्या चीज जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बारे में जो है वो हमें जाके क्या करना है, हमें जाके मालूम होना चाहिए आदि कि वो दो चीजों का दखल जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद है। क्या दो चीजें? लाइट हाँ, टेम्परेचर, गुड। सेकंड लाइट, हाँ कह सकते हैं कि लाइट है कि नहीं। और थर्मल ह्यूमिडिटी, ठीक है, सर्दियां है ना, ठीक है। और अगर मौसम खुश हो तो क्या होता है, क्या होता है? अगर आप ऐसे रूम में मौजूद है जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, व्हाट विल हैपन? ह्यूमिडिटी कम होगी तो गर्मी होगी, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो गर्मी होगी। एक चीज होती है कि आपके पास जब कुछ मौसम होते हैं स्टार्ट नहीं देगी, ठीक है। ह्यूमिडिफायर देखे ना नीचे, अगर आप गए हो तो फर्स्ट फ्लोर पे मुझे एक शॉप है उसमें ह्यूमिडिफायर रखा है। रूम में ह्यूमिडिफायर क्यों रखा जाता है? ताकि रूम के एक एनवायरमेंट है जो कि एक्सेप्टेबल है उसको मेंटेन किया जाता है। अब हमें किस तरीके से मालूम चलेगा कि इस रूम का टेंपरेचर क्या है, रूम की एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए ये छोटा सा पर्पस है, और उस चीज को कैसे जो है वो लिंक किया जाए ओवर द नेटवर्क, उससे रिलेटेड ये सेमिनार, ठीक है। तो पहला एक सिंपल सा सवाल है कि आप सारे जो है जो यहाँ पे मौजूद है कितने जो है वो 3 इयर्स के लिए, ओ सारे, तो कोई बता सकता है कि आपके इस कैरिकुलम में जो सारे क्या कहते हैं वही है उसके 7-4-0 के नहीं उसके, ठीक है। तो फिर स्टार्ट से चलते हैं। तो आईओटी है क्या बेसिकली, आपको यहाँ पे फिगर दिख रही होगी, क्या हिसाब हो रहा है इस फिगर से? फिगर आपको यहाँ पे शो हो रही है, इससे क्या चीज आपको समझ आ रही है? हाँ जी, क्या चीज समझ आ रही है इससे? चले पढ़ ही लिया तो कुछ समझ आ रहा है इससे? ओके, आईओटी का मतलब होता है बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको ओवर द इंटरनेट जाके मैं क्या करूँ, कनेक्ट करूँ। अब यहाँ पे एक चीज समझना लाजमी है, एक चीज समझना लाजमी है कि आप लोगों का इंटरनेट से क्या मतलब है। व्हाट डज इंटरनेट मींस? अगर मैं बोलता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो व्हाट इंटरनेट मींस है? इंटरनेट का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि मुझे अपने डिवाइसेस को इंटरलिंक करना है। एक्चुअली इंटरनेट का मकसद क्या है कि डिवाइसेस को इंटरलिंक किया जाए, और इंटरलिंक करके उसमें से जाके क्या किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए, डेटा की जाके क्या की जाए, कलेक्शन की जाए। ये आपका बेसिक मकसद है किसका, आईओटी का। आप ओवर द वॉक ऑफ लाइफ इस चीज से गुजर चुके हैं, आपने जाके नाम सुना होगा जी क्लोज सर्किट कैमरा, क्या होते हैं क्लोज सर्किट कैमरा, देखा होगा ना कैमरे का क्या होते क्लोज सर्किट, उससे क्या फिल्म उतारते हैं, बस उससे क्या किया जाता है क्लोज सर्किट कैमरा से या सिक्योरिटी कैमरा से। Thank you.
आगे क्या किया जाता है इंक्लोज सर्किट कैमरा से जो मूवी नहीं जा रही है उसको ओवर द नेटवर्क कोई ना कोई बंदे को क्या किया जा रहा होता है रिले किया जा रहा है। जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बंदा बैठा होता है तो वो जाके क्या कर रहा होता है वो स्क्रीन पर जाके देख रहा होता है। ठीक यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट है मेरे पास डिवाइसेज है जो डिवाइस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कोई ना कोई डिसीजन आपको क्या कर रहा हूँ दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअल मकसद आपका किसका है आईओटी का है। अब हमारे पास दो किस्म के डिवाइसेस होते हैं ठीक है एक को हम सेंसर कहते हैं और एक को एक्चुएटर कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं सेंसर और एक को कहते हैं एक्चुएटर। सेंसर क्या होते हैं इसको समझ लो। सेंसर का काम होता है डेटा कलेक्ट या डेटा वहां से लेना। अब बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के आपके पास सेंसर होते हैं यानी आपके पास ह्यूमिडिटी सेंसर है आपके पास अगर देखा जाए टेंपरेचर सेंसर्स हैं ये सारे आपके क्या हैं दे ऑल आर सेंसर। एक्चुएटर क्या होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं मुझे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंसर की यहाँ पे बात करूं तो ये मेरे पास कैमरा है ऑन नहीं जैसे आपको यहाँ पे ये क्या देख रहा है इट्स अ सेंसर। सेंसर का मकसद क्या है डेटा कलेक्ट करना ठीक है और जो आपको यहाँ पे स्क्रीन और डिस्प्ले शो हो रहा है तो वो आपके पास क्या है इट्स एन एक्चुएटर यानी वो आपको आपके क्या कर रहा है इंफॉर्मेशन आपके क्या कर रहा है डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अच्छा एक चीज आपने जब स्टार्ट हुआ था तो एक चीज पढ़ी थी इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या कहते हैं सारे मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर के मेंटर तो होंगे ही है ना सारे कोई फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्टिंग का तो नहीं है। तो व्हाट डस इनपुट प्रोसेस आउटपुट मींस आउटपुट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सेंसर और एक्चुएटर मौजूद है तो कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज मौजूद होगी जो कि उसको क्या कर रही है प्रोसेस कर रही है। तो फॉर प्रोसेसिंग पर्पस हमारे पास जो है वो क्या होते हैं आर्डिनो में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। एक माइक्रो कंट्रोलर होता है और एक आपने लव सुना होगा सीपीयू का दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि जो सीपीयू होता है जो आपने आपके सिस्टम में भी जो जिसको प्रोसेसर कहते हो नॉर्मली उसको क्या कहते हैं सीपीयू उसका काम हैवी प्रोसेसिंग होता है जबकि माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या होता है स्मॉल टास्क इनपुट देना प्रोसेस करना और उसको जाके क्या देना आउटपुट पे लेके जाना। तो जो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास वो क्या है आर्डिनो है ठीक है। आर्डिनो इट्स अ माइक्रो कंट्रोलर और ये आपका ओपन सोर्स में आता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये चीज रेडी टू कोड है इसका सोर्स कोड आपको हर जगह क्या मिलेगा अवेलेबल मिलेगा। तो ये आपका ओपन सोर्स बोर्ड है और इसमें भी जो हम बोर्ड आपके सामने यूज करेंगे वो आर्डिनो पूरा का यानी आपका सबसे बेसिक तरीन बोर्ड में से ये क्या है एक है। अब इसको आज से पहले किसी ने देखा है इस बोर्ड को नहीं देखा ना ओके। तो अगर इसका कोई मासे डायग्राम है नहीं देखिए अच्छा दिखा देते हैं ठीक है। ये बोर्ड आपके सामने जो है मौजूद है
ठीक है, जैसे आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड होता है, तो ठीक ये भी आपके पास एक आपका आर्डिनो का बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इससे माइक्रो कंट्रोलर चिप जो कि आपका क्या करती है, प्रोसेस को परफॉर्म करती है। प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर और नीचे बहुत सारी पिंस लगी हैं। ठीक है, इन सही नहीं है ना, मगर आपके जो मदरबोर्ड है उसमें तो पिंस नहीं होती, होती है पिंस उसमें। कभी खुद नहीं खरीदा है, बना बनाया देखा है। उसके अंदर भी स्लॉट्स होती है, कार्ड्स की स्लॉट्स होती है, जिनके जरिए आप अपना वो एक सो कॉल्ड पीसी को जाके असेंबल करते हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास इस बोर्ड के ऊपर डिफरेंट प्रिंट के सेट्स हैं। राइट में आपको पिन का सेट दिख रहा है, ये सारी डिजिटल पिंस हैं। अच्छा सब आई होप सो इलेक्ट्रॉनिक्स का, सर्किट्स का, वायर्स का पता होगा, या कौन ऐसा है जिसको कुछ भी पता नहीं होता है। भाई मैंने किसी को खा नहीं जाना, सबको पता है। ठीक है, यानी सबने जो है वो क्लास 9 और 10 की फिजिक्स का जो है वो के चैप्टर पढ़े हुए हैं। सर्किट का सबको पता है, किया है। ठीक है, तो अगर मैं जो कुछ बोलूंगा अगर आप लोगों को वो पिक ना हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो। ठीक है, मैं बेशक अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी कराते हूँ तो नहीं कराने के लिए आया यहाँ पे, बट अगर ये चीज समझ भी आ जाती है तो ये आपकी एक वो जो आर्डिनो आपके पास इससे ओपन सोर्स एक कंपनी है जिसके डिफरेंट बोर्ड हैं, जिसमें से मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो यूज कर रहा। ठीक है, इट्स अ आर्डिनो ओनो, इट्स अ आर्डिनो इज अ कंपनी और ये उसका बोर्ड है, वैसे कभी ये कंट्रोलर या। ठीक है, अच्छा ऊपर जो आपको 13 तक लगे दिख रहे हैं ये आपका डिजिटल आपके पास पिन है यानी डिजिटल सर्किट। ठीक है, जिनको नॉर्मली आप डीसी के नाम से जानते हो। ठीक है, 10 जिसको आप जानते हो, नीचे जो 0 से लेके 5 तक है तो ये एनालॉग सर्किट की पिन है। एनालॉग में आपके पास क्या होता है, आपके पास कोई गेट बनती है, प्रेस और री बनता है, तो ये एनालॉग पिन है। इस बोर्ड का जो मैक्सिमम इनपुट है वो 5 वोल्ट है, यानी ये 3.3 से लेके 5 वोल्ट के दरमियान जो है वो क्या कर सकता है, सर्किट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो हमें मजीद कुछ और करना पड़ेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ज्यादातर जो बेस करती है वो 12 वोल्ट से नीचे या 12 वोल्ट पे जाके जो आपके पास फ्लैश होते उससे जाके ये क्या करती है, डील करती है। अच्छा सबको ये पता है कि अगर मेरे पास सर्किट हो तो एक आपका प्लस पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, पता है ना इसका, और थर्ड आपके पास जो क्या होता है, इनपुट पिन। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली यही चीजें आपके पास नॉर्मली होती है। तो बेशक मुझे सर्किट में से किसी चीज को डेटा पास करना हो या उसको करंट पास करना हो तो मैं 3 मिनिमम चीजों को अपने पास जाके क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। या तो मैं जाके किसी डिवाइस को जाके मैसेज सेंड कर रहा हूंगा और उस मैसेज की बेस पे वो रिएक्ट कर रहा होगा, या उस डिवाइस को मैं जाके ऑन करने के लिए क्या कर रहा हूंगा, पावर सप्लाई कर रहा हूँ। यानी ये दो चीजें जो है एक डिवाइस को रिक्वायर्ड होती है चलाने के लिए। बात समझ आ गई, ठीक हो गई। तो मशहूर जमाना हेलो वर्ल्ड समझता हूँ क्या बात होगा। एक हेलो वर्ल्ड डिवाइस है। ठीक है, तो मेरे पास ये बोर्ड है, इसपे कोड करने का एक तरीका है क्योंकि ये प्रोग्रामेबल बोर्ड्स कहलाते हैं और ये आर्डिनो है, तो इसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट डाउनलोड करनी पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्डिनो कहते हैं। ये इसकी एनवायरनमेंट है, कोडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, आराम से डाउनलोड हो जाती है क्योंकि
पुराना खोल रहे तो हम इसको क्या कर देते, बिल्कुल न्यू कर देते और इसको यहां से बंद कर देते, दिख गया। और इसको जाके आप लोगों के लिए मैं रीडेबल बना देता हूं। रीड में आ रहे लास्ट वन। अब इसमें मेरे पास बेटा दो ही मेथड होते हैं, इसमें दो ही मेथड होते हैं। सेटअप पे हम जाके बताते हैं कि मेरे पास पेज का सेटअप क्या है, कहां से इनपुट होगा, कहां से आउटपुट होगा। लूप का मतलब होता है कि क्या काम इससे जाके परफॉर्म करना है, क्योंकि काम कंटिन्यूएशन में होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होता है, लूप यूज होता है। जैसे ही लास्ट लाइन रन होगी एक पास लाइन पे वापस से चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी मैंने बल्ब चलाया जो कि फोर्थ लाइन ऑफ कोड मेरा खत्म हो गया है, तो इस वजह से अब आगे नहीं चलेगा। ये आपके पास वापस से पहुंच जाएगा, स्टार्टअप पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन के दो तरीके, एक तो ये कि ये सीरियल पोर्ट के जरिए मुझे क्या देता है, डेटा के बारे में बताता है, सीरियल पोर्ट सबको पता है। दूसरा यहाँ पे जो आपके पास यूज है कि मुझे अगर किसी को जाके मैसेज पास करना है उसके लिए हम डिजिटल को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशहूर जमाना चीज है हेलो वर्ल्ड, यानी पीछे करना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, आपको दो चीजें देखने की होगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मैंने बताया कि पिन कोड क्या है, ठीक है। एलईडी बिल्टिंग का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट 13, ठीक है। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो मैं इसको जाके यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, और क्या लिख दिया मैंने, बोर्ड का पिन कौन सा है, 13 है। तो अगर यहां से हटाया है तो मैं इधर से भी हटा देता हूं, इसको जाके क्या कर दिया, 13 कर दिया, और यहां पे भी 13 कर दिया। ये बात समझ आई, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बोर्ड है तो इसकी मैं जाके कौन सी पिन को यूटिलाइज करूंगा, 13 की पिन को जाके यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब इस 13 की पिन के साथ में करूंगा क्या, क्योंकि इसको मैंने क्या भेजना है, मैसेज भेजना है। तो जब मुझे इसको मैसेज भेजना है तो मैं मैसेज कैसे भेजूंगा, मैंने बोला एक हाई वोल्टेज भेजो तो एक लो वोल्टेज पे, यानी ऑन करो ऑफ करो, ठीक है। और बीच में क्या लिखा है, डिले। डिले का मतलब क्या है, के थोड़े अर्से के लिए उसको जाते रोक दो, और 1000 का मतलब क्या है, 1 सेकंड, समझ आई। तो ऑन होगा 1 सेकंड के बाद ऑफ होगा, फिर वापस से 1 सेकंड का डिले आएगा, फिर से वापस से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एक मुझे पहले देना सर, ओके। ठीक है जी, ये इंतहाई बेसिक सा एक्चुएटर है जिसको एलईडी कहते हैं, और हमें खिलौनों में बहुत मिलता है। मुझे इसके लिए वो चाहिए, है कैमरा तुम्हारा चल रहा है, कैमरा में देखकर आप दिखा दो, आईपी है ना, और फ्लैश करना है, ऑन हो गया, ब्राउजर पे चेक करो, ठीक है। तो आपके थोड़ा सा वो कर देना, मैं जूते नहीं दिखवाया, पॉलिश नहीं, ठीक है। और ये देखा होगा, अब मुझे ये तेरा आ रहा है, ये ना तेरा होगा, ठीक है। दैट्स एन एलईडी, आपको बहुत सारे खिलौनों में ये क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है ना समझने की एक चीज है, और वो ये है कि अगर आप इसकी प्रिंट देखें, आई होप से फोकस कर रहा हूं, एक बड़ी और एक छोटी है, ठीक है। इसका मकसद है, ये नहीं कि डिजाइन के लिए बनाएंगे,
ये सीएल की जो बड़ी है दैट्स अ पॉजिटिव, जो छोटी है वो क्या है नेगेटिव और राउंड। बात समझ आई? ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि जी मुझे जाके इसको 13 पे लगाना है तो दैट इज माय बोर्ड जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, दिख रहा होगा होपफुली। ठीक है, मैं बोलता हूं कि जी मैंने इसकी 13 लिया तो नो और उसके ही ऊपर ग्राउंड मौजूद है, तो मैंने नो और ग्राउंड के ऊपर इसको जाके क्या कर दिया, लगा दिया। यानी ये आपके पास डिजिटल वर्ल्ड का क्या है, हेलो। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे इसके साथ करना क्या है, बड़ा सिंपल है। मुझे इस बोर्ड को पावर देनी है, पावर देने के बाद इसमें स्केच डाउनलोड करना है और इसको जाके क्या करना है, रन करना है भाई। तो इसका मतलब ये है कि मुझे केबल होगी यहाँ पे सर, ओके कनेक्टिंग केबल, ओके नहीं नहीं ओके। तो ये कनेक्टिंग केबल है, ठीक है, ये सर फैसल बता देंगे कि इस कनेक्टिंग केबल में जो ये वाला हिस्सा है जो इसका इसका इस केबल का नाम क्या है। वैसे अराउंड जब आप ये दो आपकी जो सदर की कौन सी मार्केट है, कॉपरेटिव मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी को नहीं मिलता है वहां पे तो दराज पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आपका डब्ल्यू डायरेक्ट शॉप एक वेबसाइट है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये दो मैंने जो है रिलायबल सोर्सेज पर लाई है। हाँ बोले बोले बोले, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें अपना एक पहला हेलो वर्ल्ड चला के क्या करूंगा बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं जैसे ही इस बोर्ड को अब हटा दे सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट होने के बाद इसमें आपके पास आपको दो लाइट्स दिख रही होंगी, ठीक है, एक ये है और एक यहाँ पे छोटी सी दिखी होगी। खैर अभी मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, इसको समझ लें। एक RX की लाइट है और एक TX की लाइट है, ठीक है, और एक लाइट बोर्ड पे ऑन होनी है। अगर ये लाइट ना चले तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड नाइट टाइम फिश हो चुका है, ठीक है। और RX और TX का मतलब क्या है, एक रिसीव डेटा है और एक ट्रांसमिट डेटा है। तो यानी अगर इसको बोर्ड को डेटा मिलता है तो ये RX की इंटीमेशन देगा और अगर मैं यहाँ से डेटा सेंड करता हूँ तो ये ट्रांसफर डेटा की क्या देगा, इंटीमेशन देगा। ये इसका रीसेट का बटन है, क्या है इसका रीसेट का बटन है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है मैं ये बता दूं कि अगर किसी के लिए भी आपने जाके मॉड्यूल पे किसी को काम करके दिया या व्हाटएवर इट इज काम करके दिया तो ये बोर्ड इस तरीके से मौजूद नहीं होता सपोर्ट है। ये बोर्ड बेटा इस तरीके से मौजूद नहीं होता। ये जो इसके ऊपर जो पिंस हैं ये निकाल दी जाती है और सोल्डरिंग आयरन से वायरिंग को सोल्ड कर दिया था और इसका एक सर्किट डायग्राम बना दिया जाता है जो कि आपने कहां पे देखा था, मैट्रिक और इंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था। और एक इंप्रोवाइज डब्बा बनाते हैं जैसे यहाँ भाग लगा हुआ है जो हमारा पैटर्न सिस्टम है वो बना के दे दिया था, ठीक है। तो एक दफा जब आप आपके इसके अंदर अपना स्केच 100% परमानेंटली राइट कर देते हैं तो फिर बाद में इसको बार बार डिजिटल में लगाने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ गई बात, ठीक हो गई। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और अपने इस स्केच की तरफ जाता हूँ तो पहली बात ये कि मुझे सबसे पहले अपने बोर्ड को डिटेक्ट करना है यदि ये बोर्ड मेरे पास कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। जैसे आप यूएसबी लगाते हैं तो यूएसबी आपके पास आकर क्या होती है, डिटेक्ट होती है, ठीक है। तो डिटेक्ट करने की दो इंटीमेशन है, एक तो ये कि जी अगर ये परफेक्टली डिटेक्ट हो जाता है तो टूल्स पे जाके ये मुझे बता देगा कि जी यहाँ पे बोर्ड मौजूद है,
और अगर नहीं कोई चीज डिटेक्ट होती और ये देखना होता है कि आया वहां पे मौजूद है कि नहीं है, तो डिवाइस मैनेजर में जाके ये इंटीमेट कराएगा कि जी न्यू डिवाइस यहां पे मौजूद है या नहीं है, या उसका सेटअप इंस्टॉल्ड है या नहीं है। बात समझ आई? वैसे ये रोड अमूमन तौर पर क्या होते हैं, कलिंग प्ले। कलिंग प्ले का मतलब पता है ना? बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, कॉम का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन पोर्ट। क्या होता है? ठीक है, और मेरे पूरे लैपटॉप में कॉम पोर्ट नहीं है। मेरे इस पूरे लैपटॉप में कॉम पोर्ट कहीं नहीं है, मैं तो ये पोर्ट से लगाया है, ये कॉम पोर्ट कहां से आ गया? ठीक है, कॉम कम्युनिकेशन पोर्ट ये आपके पास वर्चुअली तौर पे जाके क्या करता है? क्रिएट करता है। और जो कम्युनिकेशन होती है वो सीरियल होती है। सीरियल कम्युनिकेशन का पता है? व्हाट इज दी सीरियल कम्युनिकेशन? मैंने अभी कोई हार्डवेयर की बात नहीं की, मैं जस्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर से चीजें ले लेके आपसे पूछ रहा हूं। इट्स अ फर्स्ट सेमेस्टर। चलो दो चीजें पूछता हूं, एक जुमला कहूंगा उसका जवाब देना सारे। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ सेम डेटा टाइप। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ सेम डेटा टाइप क्या होता है? मेरे ख्याल से सारे जावास्क्रिप्ट से तो गुजर चुके हैं। हाँ, नहीं गुजरे? कौन से सेमेस्टर? पीछे वाले। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ सेम डेटा टाइप क्या है भाई? और यही एरे अगर स्ट्रिंग में हो तो ये कौन से एरे के आती है? कैरेक्टर एरे। और एक चीज एक के बाद दूसरे नंबर पे आए तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज के। तो सीरियल पोर्ट का मतलब क्या है कि एक बिट के बाद दूसरा बिट आके इसको क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? सीरियल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट को जाके क्या किया? सेलेक्ट किया। चले जी, यहाँ पे जाके पोर्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये कोड जरा देखने, मैंने शुरू में बताया था, मैंने बोला पिन मोड, यानी मैं किस पिन से कम्युनिकेट करूंगा? 13 से। मैंने डिजिटल का वर्ड क्यों हटाया? क्योंकि मेरे लिए भी नहीं। सही है, आउटपुट का मतलब क्या है? ये बाहर डेटा में जाके क्या करेगा? भेजेगा। ठीक है जी, अब लूप के अंदर दो काम हुए, हाई और लो। करंट का हाई, करंट का लो, यानी ऑन ऑफ। बात समझ आई? वालेकुम अस्सलाम। ले ले चेयर ले ले। ठीक है, तो इस पूरे स्केच में किसी को कोई शक हो तो सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मैंने अभी अपने सेमिनार के हवाले से एक कोड भी लिखा। और इस बोर्ड के बारे में ये चीज बताया कि 13 की पिन के ऊपर मैं डेटा भेजूंगा, या तो हाई भेजूंगा या तो लो भेजूंगा। ठीक है, बोर्ड के बारे में बताया कि जी ये आर्डिनो का बोर्ड है, कैसे कनेक्ट होता है अभी वो बताया, फिर से बता दूंगा। ठीक है, और जिस तरह आपके पास जो हर आपकी स्किल की या हर टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो जो आर्डिनो का कोड है ये आपका बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का है। तो अगर किसी को जरा सी भी नॉलेज हो किसकी, प्रोग्रामिंग की या कोडिंग की, तो उससे उसके लिए कोड करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि वही एफ है, वही फॉर है, सारी लॉजिक्स ऑलमोस्ट वही है, वही इंट है और वही स्ट्रिंग है। यहाँ पे जाके मैंने इसको जाके क्या किया? कंपाइल किया। ठीक है, ये क्या हो गया? कंपाइल हो गया, जो भी बॉय है।
ठीक है जी। और यहाँ पे जाके इसको इस पे राइट कर दिया। अब मैं जब इस पे राइट करने जाऊंगा, अब अपना मोबाइल वापस कर लूंगा, ठीक है। तो जब मैं इस पे इसको राइट करने जाऊंगा, हाँ मैं खोता हूँ, ठीक है। मैं जब इसको यहाँ पे राइट करूंगा तो लुक व्हाट्स हैपेंड, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ से यूं किया, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, इसको यहाँ से यूं किया, और ये था IPV कैम, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो हटा देगा, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, या इसको बड़ा करना है, ठीक है। मैं अगर फुल स्क्रीन करूंगा तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकूंगा, चलो ठीक है, ओके। तो मैं अगर इधर इस पे ले आए, आई होप सो लाइट जाए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जाके इसमें राइट हो रहा है, और राइट होने के बाद इसकी लाइट यहाँ से ब्लिंक हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये राइट हो चुका है, राइट हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये बता देगा कि अपलोड क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अच्छा जी, अपलोड अगर ये डन हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास चलना शुरू हो गया है। देख लें, इसको मैं यहाँ पे आया और इसको मैं यहाँ पे लेके आया, सी दिस, आई होप सो फुल स्क्रीन, या ये नहीं दिखाओ तो मेरी टोन की, ठीक है, देख गया जी। हेलो वर्ल्ड, समझ आ गया? हाँ जी, अब पूछे। बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरी बाकी, मैं तो सिर्फ जलाने जला रहा, मैं तो अभी अपना स्टार्टअप दे रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि होने क्या चाह रहा है, ठीक है। अब अगर सर किसी के पास वो होगा मोबाइल फोन का जैकेट होगा, तो क्या कहते हैं इसका लॉक होगा, मोबाइल फोन का लॉक ला के दे, लॉक है कहीं, क्योंकि वो ये भी बता दे कि इंडिपेंडेंट मोड भी चलता है। जी, क्या चीज, इधर आ जाओ, पूरी दुनिया देखी बड़ी है आपकी। यहाँ पे डॉक लगा हुआ है, मैं यही ब्लू वायर यूज कर रहा था, मैंने जाके क्या किया इसको यहाँ पे लगाए, अराउंड ये कितने का है, 12 वोल्ट है, ठीक है। और अब देखते हैं कि धमाका होता है कि नहीं होता, देख गया। तो इट्स अ स्टैंड अलोन, यानी वंस आपका स्केच राइट हो जाता है तो फिर आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कंप्यूटर की जरूरत उस वक्त पड़ेगी कि जब आप एक बिग पिक्चर पे बिटेनर पे कनेक्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि जी मुझे डेटा चाहिए और मुझे जाके किसी क्लाउड के ऊपर जाके क्या करना है, भेजना है, तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क इंटरफेस की क्या होगी, जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ तक बेसिक समझ आया, ठीक है। किसी का वोट के बारे में सवाल, पॉजिटिव नेगेटिव किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग सारे आईटी वाले को आपको खुद पता है कि हम बाइनरी में 0-1 पे बात कर रहे हैं, 0 इज ऑफ पे, 1 इज ऑन पे, और ये आपका क्या कहलाता है, एक बाइट कहलाता है,
ये बिट कहलाता है, बिट कहलाता है, ठीक है। बिट से क्या बनता है, बाइट, ठीक है। और इसी तरीके से आगे सारी चीजें आपकी क्या होती है, जाती है। और ये बाइनरी की वजह से आपको 32 बिट, 64 बिट, हमारा 1000 क्या होता है कंप्यूटर वर्ल्ड में, जो 1000 का हिस्सा है वो क्या होता है, क्या 1000 होता है या 1024 होता है? 1024 क्यों होता है? क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स द रीजन। ठीक है जी, ओके। तो अब आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ, ठीक है, ओके। तो ठीक है जी, तो ये था मेरे इस बोर्ड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक ब्लूटूथ के जरिए इसको ऑन ऑफ करके दिखा दें, करके दिखा दें। तो मैं यहाँ से लीव करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कंटिन्यू करें, पोर्ट तो यहाँ पे सिंपल हुआ है, आपने तो डिजिटल और रीड और राइट करना। अच्छा जी, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, आपने क्या किया कि आपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया और लैपटॉप से हमने इसको जो है वो अपना इनपुट आउटपुट किया के आपने वहीं से उसको क्या किया, ऑन ऑफ करवा दिया, ठीक है। हमने एक लूप चला के और लूप कंटीन्यूअसली क्या चल रहा है आपका, कंटीन्यूअसली चल रहा है कि 1 सेकंड के लिए जो है लाइट को ऑफ होना है और 1 सेकंड के लिए लाइट को ऑन होना है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई मोबाइल में एक ऐसी एप्लीकेशन आ जाए हमारी जिसके थ्रू हम लोग मोबाइल से जो है वो एलईडी को क्या करवा सके, ऑन ऑफ करवा सके, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एक ऑनलाइन टूल मौजूद है, वेबसाइट समझ लें कि आप वहां पर अपनी क्या एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप ऐसे एंड्रॉइड पीसी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा हुआ है, ओके। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इट्स एन आईटी वर्ल्ड, तो मैं आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिखाने नहीं जा रहा, मतलब मैं आई हूँ, ओके। हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक कोड यूज करें जिससे हम नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कोडिंग आपको करते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली क्लास 1 क्लास 3 है या अर्ली प्राइमरी लेवल पे जब कोडिंग सिखाई जाती है तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम वैसे ही टूल को जाके क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कोड करेंगे तो किसी को ऐसा इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी की फाइल्स कहां है। एमआईटी स्टैंड्स फॉर क्या सर? MIT एक आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है जी, क्या अगर ऐप इन्वेंटर है वो बेसिकली, सही है। बाकी भी एप्स आप उस पे बना सकते हैं लेकिन IoT को भी वो सपोर्ट करता है आपका, ठीक है जी। आपने सिंपली तो हम उसमें बैठे बैठे झटपट कोड करेंगे इसका एंड्रॉइड का, सही है जी। झटपट कोड करने के बाद आपने जस्ट लिखना करेंगे, हम उसको एंड्रॉइड स्टूडियो पर डिप्लॉय करेंगे और वहां से जाके इस कोड को जाके कंट्रोल करेंगे। इसको इस तरीके से समझ लें कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपकी कमरे की एनवायरनमेंट है जिसमें एक अलग बल्ब शामिल है और आप कमरे से बाहर निकलकर आपको बाद में याद आया तो बल्ब बंद किए, ठीक है। तो तकरीबन यही सिनेरियो है कि आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए अपने कमरे को जाते जाते आपकी मजा आए पूरी दुनिया सारा सर्किट ओपन रखा हुआ है या बल्ब ओपन रखा हुआ है, अभी मैं तो बंद करके आया था जाके दूंगी और और आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये नॉर्मली ये इदारा डिफाइन करता है, ये इनका दिया हुआ एक टूल है, आपको यही यहाँ पे दिखता होगा, ठीक है। सही है जी, आपने सिंपली MIT ऐप इन्वेंटर पे जाना है, ठीक है।
यहाँ पर आप क्रिएटिव्स पे है और आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं और हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी कनेक्ट सर कंट्रोल प्लस प्लस कर न्यू ऐप पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है जी, मैं यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ सर का, राइट ऑफ अच्छा ये देखते नहीं आते ठीक है अब कदरे बेहतर है यार पूरी लाइट ऑफ कर दे ठीक है वरना फिर ग्रुप को जरा टाइप में मुश्किल होता है सर लॉग इन नीचे सर इंटरनेट इंटरनेट में नीचे लॉग इन एमआईटी मेंटल नीचे लिखा है नीचे सर लॉग लॉग नीचे या वहां से भी आया था कोई मसला नहीं ठीक है मेरा अकाउंट यूज करने का मसला नहीं ठीक है सही है जी आपने सिंपली जाना है स्टार्ट में प्रोजेक्ट और आपने कोई भी नाम रख दिया इसका ठीक है जी सही है आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आ गई ठीक है जी सर आप कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए चीजें बड़ा हो जाए सर बोल सकते हैं कि पैक करते हैं अरे सही आपके लिए काबिल कबूल है मेरे लिए ठीक है ठीक है भाई सही है जी आपने क्या करना है सबसे पहले आपके क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें जाहिर सी बात है ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है हमने ठीक है तो कोई भी चीज जब आप कनेक्ट करते हो दूसरी डिवाइस से तो उसके लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन लाजमी होता है तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर ब्लूटूथ ये रस्म ओके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपका इट्स अ ब्लूटूथ मॉड्यूल अगर माउस आपका मौजूद हो तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे और ब्लूटूथ के बारे में दो चीजें समझ लें कि ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी विद हाई डेटा ट्रांसफर यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया जाएगा तो ये आपका इसके लिए क्या होती है नुकसान दे रही है दैट इज व्हाई क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है लो है तो इस वजह से ये क्या है ह्यूमन के लिए खतरनाक नहीं होगी ठीक है और इस वजह से इसकी रेंज भी क्या होती है 10 मीटर से ज्यादा की रेंज इसकी नहीं होती ये जो मॉड्यूल दिख रहा है इसको HC05 इसका नाम है ठीक है 10 मीटर इसकी क्या है रेंज है जो आपके मोबाइल फोन पे ब्लूटूथ मौजूद होता है वो अराउंड बिल्कुल इसी तरीके का क्लास 2 का जो है क्या है मौजूद होता है तो हम क्या करेंगे और ये कम्युनिकेशन जो करता है वो सीरियल से करता है यानी कम्युनिकेशन क्या होती है सीरियल कम्युनिकेशन उसमें कोई है डेटा रीड होगा और क्या होगा राइट होगा इसका मतलब अक्सर लोग समझ चुके होंगे कि ड्यू टू इट्स हैजर्डनेस वो तो कानों में जो आप लगा के क्लास में बैठे होते हो ना सही है और जरूरत से ज्यादा तो गाने सुन रहे होते हैं ठीक है तो ये बिल्कुल सीरियस नहीं करना जो आप तुम्हारे कानों में लगा ये होगा ठीक है सर अच्छा जी आपके पास लेआउट आ गया ठीक है हमने क्या करना है क्या करेंगे एक हमने लिखना है लिस्ट पिकर आपने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया ठीक है जी हम इसकी विड्थ जो है वो आप इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह जिस तरीके से रखते हैं सीएस वगैरह में तो आप इसकी यहाँ से कर सकते हैं आप राइट साइड पे आए और आपने यहाँ पर आए नीचे मैंने इसकी विड्थ को बोला भाई फिल कर दो ठीक है सही है अच्छा लिस्ट पिकर क्या करेगा आप जब किसी मोबाइल से जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या होता है कि लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से आपके जो ब्लूटूथ हैं वो आपके पास अवेलेबल है ठीक है तो ये सपोज एक बिल्कुल एक बटन की तरह काम करेगा और आपको क्या करेगा जो जो आपके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस अवेलेबल होंगी वो आपको क्या करेगा
शो करेगा, ठीक है। मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूं, सही है। यहां तक समझ आ गई आपकी बात? चेंज सही है। अब हमने क्या करना है, हमने दो बटन लेने हैं क्योंकि हमने एलईडी को ऑन करवाना है और एलईडी को ऑफ करवाना है। आप लोग सारे एचटीएमएल वाले हो और आपको पता है कि बटन क्या होता है, इसका कोई नई चीज यहां पर मौजूद नहीं है, सही है जी। इसके लिए सिंपल कांसेप्ट है, पहले मैं एक जो है ना वो लेआउट ले लेता हूं ताकि वो लेआउट ऊपर नीचे नहीं हो, ठीक है। आप लेआउट में आए, आपने लिया भाई हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, सही है। इसकी भी मैं विड्थ जो है वो कितनी कर देता हूँ, फिल पेरेंट कर देता हूँ और ओके, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या लेना है, दो बटन्स लेने। आप आए यूजर इंटरफेस में, आपने एक बटन को पिक किया और आपने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक और बटन लिया और आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। अब एक बटन का मैं नाम रख लेता हूँ ऑन का और एक का आप इनकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह बटन के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन है। अच्छा मैं इनको जो है ना थोड़ा सा फिट कर देता हूँ फुल, ठीक है जी। लेआउट समझ आ गया आप लोग को, क्या करेगा हमारे पास दो बटन होंगे, एक ऑन का होगा और एक ऑफ का होगा, और हमने एक लिस्ट पिकर ले लिया है जिसमें आपके पास अवेलेबल जितनी भी ब्लूटूथ की डिवाइसेस होंगी वो आपको शो करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आपका काम होगा नहीं, अब इसमें ऐप में कोई ऐसी चीज भी डालनी पड़ेगी जिसके थ्रू जो है आपका ब्लूटूथ कम्युनिकेट कर सके इससे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मौजूद होता है आपका नीचे कनेक्टिविटी में आप आ गए, आपने लिया ब्लूटूथ क्लाइंट और आपने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसमें बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपके इनविजिबल होते हैं लेकिन वो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं। ये आपका नीचे आ गया ब्लूटूथ क्लाइंट, सही है जी। अभी तक हमने इसका सिर्फ लेआउट देखा है, अब हमने इसकी फंक्शनैलिटी देखनी है कि काम किस तरीके से करेगा, ठीक है। आपके पास दो ब्लॉक्स होते हैं, एक डिजाइनर, डिजाइनर हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक, सही है। अब आप आ गए ब्लॉक्स में, सही है। अब आपके पास वो सारे आइटम्स मौजूद है जो हम लोग ने सिलेक्ट किए थे, एक तो आपके पास स्क्रीन थी, मेन स्क्रीन थी, देन उसके बाद हमने एक लिस्ट पिकर लिया था और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में बटन वन और बटन टू रखा था, सही है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट पिकर को लेता हूं बिफोर पिकिंग, ठीक है जी। क्या होगा कि आपके पिक करने से पहले जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो पिकिंग से पहले जो होगा काम इस पे वो इसमें होगा। क्या कर, हमने अगेन लिस्ट पिकर में आया और मैंने कहा भाई सेट एलिमेंट्स होगा यहाँ पे, इधर है ये रहा, ठीक है। आपने यहां पर आके इसको, ठीक है, और उसके बाद अगेन आप आए किसमें, ब्लूटूथ क्लाइंट्स में आए और आपने यहां से लिया ब्लूटूथ क्लाइंट एड्रेसेस और नेम का, सही है जी। अब ये ब्लॉक आपका सिर्फ क्या करेगा, जब आप बटन को क्लिक करोगे तो आपके पास जो लिस्ट होंगी वो आपको शो करवाएगा कि कौन कौन से ब्लूटूथ की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगेन आप लिस्ट पिकर में और आपने लिया भाई आफ्टर पिक, बिफोर पिकिंग हमने कर लिया, आप आफ्टर पिकिंग, ठीक है जी। ये बिल्कुल आपकी प्रोग्रामिंग की तरह है लेकिन ये क्या है, ब्लॉक्स की सूरत में, ठीक है जी। व्हेन डू जो है आपने क्या कहा भाई, अगेन सेट लिस्ट पिकर और हमें सही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है। अगेन आप आए उसके बाद ब्लूटूथ क्लाइंट में और आपने यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉल
ब्लूटूथ क्लाइंट वन डॉट कनेक्ट। ठीक है, सही है। एक लिस्ट बिफोर पिकिंग है और एक आफ्टर, ठीक है। यानी पिक करने से पहले वो इनिशियलाइज कर रहा है चीजों को, और पिक करने के बाद जो हमने ये सेंसर सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट सेंसर हम जाके उसमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, सही है जी। अभी तक क्या होगा आपका, आपने बिफोर में बिफोर वाला मैंने आपको समझा दिया, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर जो मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे होंगे, हमने उस पर क्लिक करना है। उस क्लिक होने के बाद का फंक्शन कौन सा कॉल हो जाए, जब आप क्लिक करो तो डॉट कनेक्ट हो जाए, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है जी। और लिस्ट स्पीकर एलिमेंट्स उसके साथ जो हो जाए आपका कनेक्ट हो जाए, एलिमेंट से हटाकर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन, ठीक है। अब यहां तक जो है ना आपकी डिवाइस जो है, जब इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी डिवाइस आपकी कनेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई पता कैसे चलेगा, अगर डिसकनेक्ट हुआ कनेक्ट नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे अगर कनेक्ट हो जाए तो मैं यहां पर एक और सेक्शन लगा दूं, कि जैसे यहां पे अभी ब्लूटूथ लिखा हुआ आ रहा है ना, तो जब कनेक्ट हो जाए तो यहां पे लिखा हुआ है कनेक्टेड, ठीक है। मैं यहां पे आया और मैंने लिया लिस्ट पिकर सेट टेक्स्ट का, ठीक है, लिस्ट पिकर वन सेट टेक्स्ट, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट को, सही है। सेट लिस्ट पिकर वन, और हमें क्या सेट करना है, टेक्स्ट को सेट करना है, सही है जी। और मैं यहाँ से एक ऊपर आपको बिल्ट इन में जो है ना ये पूरे फंक्शंस मौजूद होते हैं, आपने यहाँ से एक टेक्स्ट ले लिया और आपने टेक्स्ट कौन सा लिया, एम्प्टी टेक्स्ट, ठीक है। और आपने इसमें क्या लिख दिया, सही है जी। अब क्या होगा, जब आपकी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ से ब्लूटूथ हट करके आपके पास कनेक्टेड आ जाएगा। अब हमारे पास जो सिर्फ लिस्ट पिकर का काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमने किस पे काम करना है, बटन्स पे काम करना है, ठीक है। तो मैं एक बटन फर्स्ट बटन ले लेता हूं, हमने किस पे काम करना है, क्लिक पे, ठीक है। जब बटन वन डॉट क्लिक हो, सही है, तो आपका हमने क्या करना है, हमने यहां से एक डेटा ट्रांसफर करना है आपको आपके आर्डिनो में, सही है जी। आप चाहे नीचे और आपने जाहिर सी बात है ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, ब्लूटूथ के थ्रू। आपने ब्लूटूथ के लाइट में आए और आपने यहां से लेना है कॉल का फंक्शन ब्लूटूथ वन डॉट सेंड टेक्स्ट, ठीक है, सही है। और मैं टेक्स्ट यहां से कह रहा हूं कि मैं वन भेज देता हूँ, ऑन करना है तो मैंने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऑन के लिए आप वन लिखें, आप यहाँ पे ऑन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप जब इफ एल्स की कंडीशन करेंगे तो उसमें आपको वेरिएबल को क्या देना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट दिया होगा वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज, हाँ सर, वो दूसरे बटन में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है लिस्ट पिक बटन में, बटन बटन वन ही है सर ये, अच्छा बटन वगैरह अगर यहां से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, तो बटन वन है बटन टू है, आप कोई भी ले लो, आप उसको ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। मैंने बटन वन लिया, अच्छा अभी तक आपका काम जो है ना वो यहाँ तक चलेगा। अब हमने क्या करना है, दूसरा बटन पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, मैंने इसको किया डुप्लीकेट, ठीक है जी। इसको मैं ले आया नीचे और मैं इसको कहता हूँ बटन टू, सही है। और आप इसमें क्या मैं कह रहा हूँ कि भाई जीरो चले जाए, समझ आई बात यहाँ तक।
आपकी जो बैकएंड का काम था वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, मोबाइल फोन में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है बिल्ड का ऑप्शन, ठीक है जी। आपने बिल्ड पे क्लिक किया और आपने बोला कि भाई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चाहिए आपको, आपने क्लिक कर दिया। अब आपके पास एक QR कोड आएगा, सही है, वो आपको स्क्रीन ले सकती है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है? मेरे पास वैसे डाउनलोडेड है, क्या हुआ सर? मैं इनको सिर्फ वो एप्लीकेशन बतानी पड़ेगी ना कि कौन सी करनी है, तो उसके लिए तो सेंड करना है ना सर? इंटरनेट का एरर तो नहीं है? प्रॉक्सी 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 का तो एरर नहीं है? अच्छा सर, इसका कोड करना है? हाँ, इसका कोड करना है, प्रोसीजर वो करके हाँ, तो वो करना है ना, वो करना है अपना अपना वो खोल के यहाँ पे रहिए, वो दिखाओ उसको डिस्कस करना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो दिखाओ नेटवर्क सिक्स की प्रॉब्लम आ रही है। जूम के अंदर हमारे यहां ना जूम के अंदर हमारे वो कौन से हिस्सा कर रहा है, कर सही जूम के मार कर के हेड कर पता मैं तुम सिंपल सदाम अपना मोबाइल लॉगिन है? हां नहीं, आपका तो अपने लॉगिन से है ना, आपके में भी तो बनाया था, बनाया था आपने माय प्रोसेस को सेव कर दूं मैं? हां सेव कर दो और वहां से मिल जाता तो देखो ऑलरेडी कंप्लाइंट है। ये तो अभी बनाया ना, ये वाला था लास्ट टाइम का। अच्छा, ये वाला नहीं है आपके में? नहीं है सर, बनाओ, मैं अपना खोल लेता हूं। अपना खोल लो, साइन आउट कर लो। साइन आउट की जरूरत क्या? हां अपना खोल लो, क्योंकि मेरा उसमें करो प्रॉब्लम कर रहा है, माय पास बना हुआ है। हां ये तो कंप्लेन है। हां नेक्स्ट चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का बाद में इशू हो जाता है। तो फिर सिक्योरिटी नहीं लगेगी ना, अपना वो बिल्ड कर लो वहां पे और वो दिखा दो इनको कि इसको चलाने के लिए इंटरफेस कौन सा है, ऐप गैलरी में इसमें है ना, उसको पिक कर लो। तो मसला नहीं, अभी टाइम इतना है, तो नहीं गया ये पुराना वाला इसको वाइट आ जाएगा, लेकिन इसके डिफरेंट जो है पेंट कर दिया। क्या चीज कोशिश
ये एप्लीकेशन भी बता दूंगा। हाँ एप्लीकेशन बता दें टीएनएल कैसे हो बातों में लगे हैं पौधे तो रही है। अच्छा पहले सर इनको एप्लीकेशन का बता दें कि ये मोबाइल फोन पे आएगा कैसे। अच्छा जी इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी MIT ऐप इन्वेंटर की, ठीक है जी। राइट क्लिक करके बता दें इसके ऊपर ब्राउजर के साइड पे बता दें। सही है जी। इस तरीके से आपका अभी क्या हुआ हमारी ऐप का एक QR कोड आ गया है, ठीक है। और आपके पास एक इस तरह की ऐप आएगी मोबाइल में बता दूंगा मैं, ठीक है। और आपके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्या स्कैन QR कोड, आपने स्कैन QR कोड करना है। इसमें नेट नहीं चल रहा। आप साइट से वो बता दें कि वो इसका एंड्रॉइड के लिए स्टोर में है क्या। अच्छा यहाँ पे जब आप जाएंगे और इस ऐप को अगर आपने अपने पास मोबाइल फोन पे डाल दें, वैसे एंड्रॉइड का अपना प्लेटफॉर्म है इसके जरिए पूरा कोड किया जाता है। ये आपका जो है ऐप इन्वेंटर का कोड है, तो इसको यूज करने के लिए आपको आपकी ये तो वो है ना सर प्ले स्टोर लिखने ये आ गया तो दिखा को देना। ये वही पे लेके जा रहे हैं सर, वहां पे लेके नहीं जा रहा। आपने ऐप का बता दें इसमें दिखा देते ना मोबाइल में जो मोबाइल सर कैसे दिखाओ मोबाइल पर दिखा दे लोगों को उतनी देर सर आप इधर आ जाए मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से आया। देखें अगर ये कनेक्टिविटी भी बता देता हूँ ठीक है जी। ये आपके पास ऐप है MIT AI Tool Companion, ये आपको अपने एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड करनी होगी। ये जो स्केच हमने यहाँ पे बनाया है जब हम इस ऐप से जाके इसको स्कैन करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से डाउनलोड होके आ जाएगी। तो आपको वायर लगा के कंपाइल करके कोई किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, आपकी झटपट ऐप आपके क्या हो जाएगी डेवलप हो जाएगी। अब मुझे क्या काम करना है, मेरे पास ये एंड्रॉइड का कोड है, मुझे जाके इस पर जाके कोड करना है ताकि मैं इस मोबाइल फोन से इसको जाके क्या सेंड कर सकूं डेटा सेंड कर सकूं ताकि ये क्या हो सके मेरे पास ये LED या इसके बाद ये जो आपके पास बल्ब दिख रहा है जो कि किसका है रूम का, उसको क्या किया जा सके कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और थोड़ा सा मेरे पास वक्त कम है तो मैं जरा जल्दी जल्दी से ये काम करूंगा, बट जल्दी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जी मैं कोई चीज स्किप करूंगा। तो मैं इसी ऐप को अपने पास यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जाके क्या काम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर से जाके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी यहाँ से क्या कर रहा हूँ उड़ा रहा हूँ, यानी जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें मैंने इसको यहाँ से उड़ा दिया और मेरे पास सेटअप है और पिन मोड 13 यहाँ पे मौजूद है। किसी को इस पे किसी किस्म का सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा अब इसके पास जो कम्युनिकेशन होगी वो किसके जरिए होगी सीरियल पोर्ट के जरिए होगी। किसके जरिए होगी सीरियल पोर्ट के जरिए, क्योंकि डेटा सेंड करेगा किसको सेंड करेगा मेरे ब्लूटूथ डिवाइस को आके डेटा आके क्या करेगा सेंड करेगा। अब उसके लिए मुझे अपनी कुछ चीजों को जाके क्या करना है प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आ रहा हूँ और जाके मैं क्या बोल रहा हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे जाके क्या है सीरियल पोर्ट है और डॉट बिगिन है, क्या करो इसको इनिशियलाइज करो।
अच्छा, जो भी आपके पास ट्रैफिक आती है वो किसी कम्युनिकेशन चैनल के साथ आती है, और उस चैनल को सीरियल पोर्ट में हम कहते हैं बॉट रेट। क्या कहते हैं? बॉट रेट। तो डिफरेंट बॉट रेट्स हैं, हम जाके किसको यूज कर रहे हैं? 9600 को। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ, दैट इज द सीरियल मॉनिटर। आई होप सो ये अभी तक इससे खुला नहीं, क्योंकि मैंने इस पे अपना बोर्ड नहीं लगाया, मगर जब मैं अपना बोर्ड इसके ऊपर लगा दूंगा तो ये मुझे क्या करेगा कि ये सीरियल पोर्ट आके मुझे क्या कर देगा? ओपन कर देगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने बोर्ड जाके यहाँ से क्या किया है? प्लग इन किया, एक रन की मारता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद होपफुली इसने इसको पकड़ लिया और ये कॉम टू पे आया, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। अब मैं आके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सीरियल मॉनिटर खोल रहा हूँ। दिख रहा है? अब बॉर्ड रेट दिख रहा है आपको? 9600। हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं, तो डिफॉल्ट चैनल जो सबसे कम चैनल है वो मैंने किसको यूज किया है? 9600 को। ये चीज समझ आई? यानी कोई भी चीज मैं यहाँ पे आपको ऐसी हरगिज नहीं बता रहा जो कि आपकी टोटली क्या हो, बिल्कुल हटके हो, अलग से हो, राइट फ्रॉम द नोवेयर। अब मैंने क्या किया, इस बोर्ड को जो कम्युनिकेशन होगी वो 9600 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी बॉड रेट के ऊपर होगी। अच्छा जी, तो ये तो मैंने जाके यहाँ से जाके क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अच्छा, ओपन करने के बाद अब जाके मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे आऊंगा और बड़ा सिंपल सा काम करूंगा, क्योंकि हम ACCB कर रहे हैं, तो ACCB में मैंने जाके क्या किया? कट किया, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स फॉर कट, गायब हो गया तो ठीक है जी। तो मैंने जाके बोला कि क्या काम करें, मैंने बोला इफ, इसका तो पता है, ठीक है, आपने कहां पे पढ़ा था? जावास्क्रिप्ट पे। मैंने जाके क्या बोला कि जी चेक करो, क्या चेक करो? मैंने बोला क्या? सीरियल डॉट, ठीक है, क्या होना चाहिए? मैंने बोला कि जी सीरियल डॉट अवेलेबल, तो मैंने बोला ABAILABLE अवेलेबल, यानी या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो दैट मींस 1 और फॉल्स होगा तो 0, तो मैंने बोला ग्रेटर देन 0। अगर ये अवेलेबल है यानी मैंने डेटा इसको भेजा है, तो क्या करो? डिजिटल डॉट राइट करो और क्या करो? इसको करो, मगर अवेलेबल में मैंने इसको क्या करना है? ऑन और ऑफ करना है। तो मुझे जाके इस सीरियल से जाके डेटा को जाके क्या करना है? तुमने आने नहीं करो, बोल दो, ठीक है। तो अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो क्या काम करूं? अब मैं फिर जाके यहाँ से क्या कर रहा हूँ? कट, क्योंकि मैंने क्या मचाइए? जल्दबाजी मचाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अब मैं जाके क्या बोल रहा हूँ कि ये मुझे करेक्टर भेजेगा, तो CHARCTER करेक्टर। करेक्टर में मैंने जाके क्या बोला? मैंने जाके बोला कि क्या करो? सीरियल डॉट रीड। अब ये करेक्टर है, ये याद रखना, नंबर नहीं है, ठीक है। तो करेक्टर है, तो अब जाके मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने जाके बोला कि जी या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो मैंने जाके बोला इफ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से खत्म हुआ। इसको आपने जावास्क्रिप्ट में क्या बोला था? नेस्टेड है। इफ विद इन अ इफ, यार ये तो जावास्क्रिप्ट सिखा रही, पता नहीं कहां से आ गए, ठीक है, मगर एक ही चीज होती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये आने वाला जो करेक्टर है, ठीक है, किसके बराबर है? तो मैंने क्या लिखा? डबल इक्वल्स टू। क्या लिखा? डबल इक्वल्स टू। और किसके बराबर है? करेक्टर हमेशा सिंगल कोट में आता है, करेक्टर हमेशा सिंगल कोट में आता है, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में आता है। ये चीज बचपन में आपको सिखाई गई थी। तो मैंने बोला कि अगर ये मेरे पास 1 के बराबर है, किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो बल क्या हो जाना चाहिए? ऑन, तो ऑन हो जाना चाहिए। मैंने जाके बोला के जी ऑन करो, तो अब ऑन करने के लिए मैंने जाके इसको क्या बोलना है के जी डिजिटल डॉट राइट। तो अब डिजिटल की स्पेलिंग मैं भूल चुका हूं, तो क्या होनी चाहिए स्पेलिंग? DIGITAL, ठीक है। अभी भी मुझे इस पे शक है। डॉट WRITE राइट। क्या करो इस 13 की प्रिंट में क्या कर लिखो? क्या लिखा हुआ था? हाय था, ठीक है। तो HIGH मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, जो ये नहीं है, ठीक है।
कैपिटल में था, वाह यार तुम सबकी जो है वो मेमोरी मुझसे ज्यादा अच्छी चल रही है, ठीक है। अच्छा तो अगर वन है तो हाई है, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे जाके एल्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके लिखता हूँ कि क्या होगा एल्स, और एल्स में जाके बोला वन नहीं है तो जीरो होगा, मगर एक चीज होना लाजमी है कि अगर मैं एल्स नहीं लिखता तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ पे ट्रू मौजूद है, फॉल्स मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जाके एल्स सिर्फ पढ़ाने के चक्कर में नहीं आया, मैं शराफत से जाके लिख रहा हूँ, अगर ये नहीं है तो दूसरे लेवल पे चले जाओ। तो डेट इज करेक्टर डबल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो, और यहां से आके क्या होना चाहिए, हाई की जगह लो होना चाहिए। तो कॉपी किया, पेश किया, अभी भी एक एरर मौजूद है, और वो क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वो मैं लगाना भूल गया था। तो डरपोक लोगों की तरह एक काम जरूर करता हूं कि हमेशा कोड को चेक कर लेना चाहिए और गूगल चाचू की मदद ले लेनी चाहिए, मगर मैं गूगल चाचू की मदद यहाँ पे नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ पे जाके इधर जाके एग्जाम्पल पे जाके अपने ही आप को चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरी मेमोरी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं अगर इधर जाता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ नहीं दिया, इधर जाता हूँ यहाँ से जाके इसने कुछ दिया नहीं दिया, मैं इधर जाता हूँ यहाँ पे आता हूँ डिजिटल डॉट राइट मैंने गलत लिखा था और तुम लोगों ने बोला कि सर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा ये था भाई, ठीक है, दैट वॉज हाई ऑन 13, ठीक है। मुझे वाकई पता था कि मैं गलत हूं मगर तुम लोगों ने नहीं माना, ठीक है। और दैट वॉज हाई, तो ये आपके पास क्या है, लो है, तो दैट इज एल ओ डब्ल्यू लो, तो ये भी आपका बड़े कैप में है। बात समझ आ गई, यानी अभी सिर्फ हमने ऑन ऑफ भेजा है और अभी हमारे पास चार मत की अनफॉर्चुनिटी क्या हो चुके, 25 हो चुके। करवाना तो हम बहुत कुछ चाह रहे थे, मगर खैर होता है कि जो आपने सोचा होता है उतना नहीं पहुंचते, मगर कम से कम एक चीज आपको समझ आ जाएगी कि स्टार्ट कैसे दिया है, एंड कैसे किया है, ठीक है। इसको जाके पहला काम क्या होता है कि इसको चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसे चेक किया और मुझे बताया कि जी सर आपने करेक्टर डॉट सीरियल डॉट रीड गलत लिखा है, हाँ इसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। तो इसको इनिशियलाइज मैंने कराया ही नहीं है, तो मैं यहाँ से गया कॉपी किया, मैं ऊपर गया, मैं यहाँ पे आया और इसको बताया कि कोई चीज करेक्टर भी कोई चीज होती है। तो मैंने बोला कि जी मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, सी एच ए आर ए सी टी ई आर करेक्टर करेक्टर इक्वल्स टू दिस, हाँ किधर सी एच ए आर आएगा, देखा ये होता है एक्सपीरियंस नहीं आया और सी छोटा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाके मैंने इस करेक्टर को जाके बना लिया, अब जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब ये कंपाइल कर रहा है और कुछ हुआ है, इसे ठीक है जीरो कर दूं, ठीक है जी करेक्टर को जीरो दे देते हैं, ठीक है जी करेक्टर को जीरो, क्योंकि करेक्टर में आपके पास ये चीज नहीं आती। खैर इसको यहाँ पे कर लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है जी। तो अब ये जीरो हो गया, अब जाके मैं स्केच को अपलोड करूंगा, मगर अपलोड करने से पहले एक बड़ा अहम तरीन काम है और वो क्या है कि मुझे जाके यहाँ पे इसको बताना है कि इसमें एक एलईडी भी लगनी है, इसमें ब्लूटूथ भी लगना है और दोनों चीजें लगनी है। तो आप लोगों को सर्किट दिखाने के लिए वापस से मैं सर फैसल को बुलाऊंगा ताकि वो कैमरे बहादुर को होल्ड करे, ठीक है, और होल्ड करने के बाद हम बता सके कि हमने इसके साथ करना क्या। पहले एलईडी लगाएंगे, ठीक है, स्केच भी यही रहेगा, सब कुछ ये रहेगा, हम एलईडी से इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बल्ब में। हमारे पास 25 मिनट है, ठीक है, होपफुली यहां तक मैंने जरूरत से ज्यादा आपको बोर ना किया हो, मगर खैर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हाँ ठीक है, और इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको देखे कि हम तारों से क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एलईडी है, मैंने जाके डिजिटल 13 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13, सर आ रही है,
अभी लगाए अच्छा पूरा मनोरंजन करेंगे ठीक है जी मजा आएगा ठीक है मैं अपना ये हटा देता हूँ ये किडनी बेच के आता है किडनी बेची भी आपने अच्छा स्केचेस में फिर राइट हो चुका है ना स्केच राइट हो गया बस ठीक है नहीं ना ब्लूटूथ आपको जब करना पड़ेगा अगेन राइट करना पड़ेगा सोच ले पहले लड़ लेते हैं काम हो जाएगा ठीक है ओके तो राइट ऑन करनी है हां कर दे ओके अब मैं करने क्या जा रहा हूं आई होप सो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा ठीक है अच्छा सर ये स्केच ब्लूटूथ का हमने बना के स्लाइड में रखा है नहीं रखा ठीक है तो यहाँ समझा देंगे ओके फर्स्ट मैं यहाँ पे 13 ग्राउंड को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो ये आपके पास 13 ग्राउंड आपको दिख रहा है आ गया तो दैट इज 13 ग्राउंड दिख गया ओके अब ब्लूटूथ का ये जो आपको दिख रहा है तो यहाँ पे अब आप इसको देखिए सर ब्लूटूथ का मॉड्यूल होगा हमारे पास अगर उसका बैक और फ्रंट आपको ऑनलाइन पिक्चर में भी मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा ताकि समझाने मुझे आसानी हो जाएगी ये है मगर इसका बैक नहीं होगा वो आप इधर इसी तरीके से ब्लूटूथ देख दे HC05 ठीक है ओके किसी भी उस पे इमेज पे क्लिक कर दे हाँ ये वाला इमेज बिल्कुल परफेक्ट है ये उसके साथ वाला इसको खोल दे और ओपन एंड न्यू टैब कर दे ओपन एंड न्यू टैब होगा इसको बड़ा किया जाए कंट्रोल प्लस प्लस करें ओके ये आपको दिख रहा है अच्छा एक लाइट अगर आप ऑफ कर दें तो शायद किसी को दिख जाए उसे निकाल लो सर विजिबल नहीं है हां विजिबल हो गई हो गई हो गई लाइट बंद होगी हो जाएगा ठीक है अगेन इसके ऊपर इसने इसको क्या बोला हुआ है कि जी ये मास्टर और स्लेव है मास्टर स्लेव का मतलब है कि कोई ना कोई इसका मास्टर और स्लेव होगा मतलब हम पीयर टू पीयर कनेक्शन कर रहे हम मास्टर स्लेव का काम नहीं कर रहे नंबर 1 ये इसका रीसेट बटन है और यहां पे ये मौजूद है बड़ा छोटा सा बटन ठीक है इसे रीसेट बटन है यानी अगर ये कहीं हैंग कर जाता है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं ठीक है सर इसके अंदर आपको जाके कितनी केबल्स दिखती है 6 केबल्स 6 पिन दिख रही है दिख रही है ठीक है एक सीएनटी पिन है और एक इसमें आपके पास है एनजीटी पिन है स्टेट और एनजी हम यूज नहीं करते आरएक्स और टीएक्स सेंड डेटा रिसीव डेटा और एक क्या है वॉल्ट है और एक आपका ग्राउंड है एक आपका बीसीसी है एक ग्राउंड है एक आरएससी है और एक टीएससी है तो आरएससी का मतलब आपके पास है रिसीव डेटा अगर इसका रिसीव डेटा है तो बोर्ड का क्या होगा सेंड डेटा होगा यानी आरएक्स किस पे जाएगी टीएक्स पे जाएगी बात समझ आ गई ठीक है तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको जाके क्या दे रहा हूँ मैं वोल्टेज दे रहा हूँ तो ये 5 के वोल्टेज पे ये जाके क्या होगी चलेगी तो जो आपके पास वोल्टेज की पिन है ठीक है इधर आपको बोर्ड के ऊपर सर इसको शिफ्ट करें और बोर्ड के ऊपर लेके आए ठीक है मैं इसको जाके किस पे लगा रहा हूँ वोल्टेज को इसके बोर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ ठीक है आपको दिख रहा होगा और दूसरी जो ग्राउंड की पिन है वो मैं इधर जाके किस पे लगा रहा हूँ मैं ग्राउंड पे लगा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोर्ड यूज नहीं कर रहा हालांकि मेरे पास दोनों किस्म के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोर्ड मौजूद थे ठीक है तो मैंने जाके यहाँ पे वोल्ट और ग्राउंड कर दिया अब मुझे जाके इन दो पिन को लगाना है ठीक है बकौल मेरे इस दोस्त के ये क्या बोलते हैं कि सर पहले जब आप ये बोर्ड लगा रहे तो एक दफा फिर स्केच को अपलोड कर लें क्योंकि वो प्रोग्रामर का एक मामला होता है कि हम सारे थोड़े डरपोक होते हैं ठीक है ताकि हर तरीके से अपने ग्राउंड को जाके सिक्योर किया जा सके तो मैं वापस से इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ ठीक है और ये वापस से जाके स्केच को अपलोड कर लो भाई ग्राउंड लगा दिया चलो इससे बोला सर आपने ग्राउंड नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे जाके ग्राउंड लगा देता हूँ ठीक है मैंने ग्राउंड लगा दिया इसने एक दफा फिर इसको जाके क्या किया है अपलोड कर देना स्केच को
अपलोड किया है, ठीक है जी। ओहो अपलोड हुआ, फॉर्म 9 करें। अच्छा इसको सीरियल मॉनिटर को बंद करें, आप दूसरी जगह से अपलोड कर रहे हैं, दूसरा स्केच कर रहे हैं, ये वाला सही हो गया, ये वाला स्केच है सर, इसको बंद करें, ये वाला स्केच, ये वाला स्केच है, इसको अपलोड करें। अपलोड हो गया, ओके इट्स डन अपलोडिंग। तो अब मैं जाके क्या काम कर रहा हूँ कि ये जो RX और TX है इसको अपनी इन जगहों पे जाके क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको निकाल लेने की जरूरत, तो अब मैं जाके क्या कर रहा हूँ इसके RX और TX को अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे पास यहाँ पे जो RXD है वो किस पे जाएगा, TX पे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे गया और जो यहाँ पे TX1 पे, ठीक है जी, ओके। तो तुम लोग सारे लगे हुए, इस वजह से मेरे पास नहीं आ रहा, तुम सारे तो बंद कर दो अपना, ठीक है जी। जब आप पेयर करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा और बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड 1234 होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ से पेयर कर देना और आपका पेड डिवाइसेस में आ जाएगा, सही है। उसके बाद आपने जाना है एप्लीकेशन में, सही है जी। एप्लीकेशन में हमने क्या लिया था, सबसे पहले जस्ट पिक लिया था एक बटन, आपने उस पर क्लिक किया, वहां पर जितनी भी आपके पास अवेलेबल डिवाइसेस होंगी वो आपको शो करेगा, ठीक है। और हमें किससे कनेक्ट करना है, HC05 जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है जी। उसके बाद कनेक्ट किया हमने, तो ये देखें ऊपर जो है अब कनेक्टेड दिखा पा रहे हैं, कनेक्ट हो गया, सही है, वहीं से ऑपरेट करना है सर। देखिए भाई आ गया भाई, ट्रेन का मौका आ गया, वहीं से करें सर, हां अंदर आपने ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन भी कनेक्ट किया था, बैंड वगैरह ढंग से कनेक्ट करते हैं क्या होता है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, जीरो और वन ही ऐसे लिखा हुए, आप यहाँ पे करें, हमने जो था लास्ट टाइम करेक्टर हमने जो है वो जीएसटी में दिया था ना, तो मैं अगर इसको इंटीजर दूंगा तो वापस कैश अपलोड करना पड़ेगा, तुम सोच लो इंटीजर दे रहे हैं, हां तुमने इसमें इंटीजर दिया था इंट, यहां से इसको इसको वहां से हटा दें, सोच लो, हाँ सर तुम्हारा वो स्केच कहाँ है, अपने कहा था मैं करूँगा, सही है, ये तो सही है ना, सही है, यहाँ पे सिर्फ 01 का था, तो तुमने करेक्टर नहीं भेजा इसमें, वापस इसको हटाओ, इसको अपलोड करो,
नहीं से रहने देता नहीं ये तुम नंबर भेजे थे क्या भेजे नंबर भेजे थे जब भी तुम्हें वो दूसरा वाला कर रहा था इसके नाम पे एक मैं बोल रहा हूँ चल कोई मसला नहीं सर हो जाएगा हाँ लैपटॉप कनेक्ट हुआ है क्या एलईडी चेंज करते सर जी एलईडी दूसरी दें हाँ सीरियल मॉनिटर में क्या हाँ कोई आज आप प्रिंट हो क्या सीरियल डॉट प्रिंट यहाँ पे ऐसे ही होता है हाँ कैपिटल एस कौन भागे भाई एल्स कर दूं दो घंटे के लिए हाँ तुम बोल रहे तो कर लो ऐसे तो बहुत सही ये एक तो वन ना ना दूसरा उठा रहा ना दो नहीं है सही कर रहे हैं इसको जाके ये सही है RX और TX सही है नहीं ना कनेक्ट तो हो रहा है ना सर लाइट्स खोलना प्लीज बेचारे का कुछ उम्मीद था इसमें मतलब हमने गलत लग रहा अभी इस बेचारे को मिल नहीं रहा था आलेख लगेगा लाइट भी लगा लाइट दूसरी दे दे दूसरी सही है तो मैं बने नहीं जाता हां जाए जाए आ जाए पार्टनर अब देखो लगेगा चेक करो अब अपलोड कर दिए आ रहे अब आए अच्छा अब इससे सीरियल मॉनिटर पे भेज देना ये आ रहा है ये देखें यहाँ से हाँ इनपुट आ रहा है लेकिन एलईडी नहीं चल रही अब थोड़ी बहुत इनपुट दिखा दो मुझे मैं इशू है इनपुट दिखा लो कनेक्टिंग नहीं आ रहा है एलईडी दूसरी रिकॉर्डिंग में दी थी एलईडी मैं जाके सीएम मंचों पे आता हूँ अब कनेक्ट करो नहीं अंदर रहिए
कनेक्ट आ गया। हां ये चल रहा है, ये 05 चल रहा है, ये 5 और 9 आ रहा है, ये तो ऐसे डेटा ले रहा है। हां नहीं डेटा ले रहा है 5944, ये उल्टा डेटा ले रहा है तुम्हारा। स्केच का है, स्केच का है, एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। स्केच का है ये रहा, इस पर ठीक है। डिजाइनर को डिजाइनर का इसको छोड़ दो, एक आपका बाइक उल्टा रिसीव हो गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको हो जाएगा सही। अब तुम, मैं इसको बंद करता हूँ, उसको चलाता हूँ। अब तुम देखना तुम्हारे पास से डेटा क्या आ रहा है, तुम पहले वो देखना, मैं उसी डेटा पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा। समझ आई? भेजो डेटा। हाँ भेजो, भेजो डेटा। कनेक्ट हुआ, 49 और 48 आ रहा है, 49 और ऑन पे और 48, कोई मसला नहीं। करेक्टर जब ये आपका कन्वर्ट हो रहा है ना, सीरियल डॉट रीड करेक्टर दे रहा है, तो ये 49 और 48 दे रहा है। समझ आई? कोई मसला नहीं, इसको जाके मैं 49 कर देता हूँ, उसको 48 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये हटाया मैंने, इसको जाके मैंने चेक किया, मगर करेक्टर 49 कैसे आ सकता है, करेक्टर नहीं है। हाँ तो ये 49 48 क्यों दे रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे स्केच में प्रॉब्लम है। यही था। हाँ अब इसको कनेक्ट करो, ऑन हुआ, ठीक है हुआ, हो गया। दिखा देते हैं भाई, इसको बंद कर, लाइट्स बंद कर दो, मैं सीरियल मॉनिटर दिखा दूं। ओके जी, तो अब आप इसको देख लो आपके साथ, क्योंकि थोड़ा सा वायरिंग हमने आगे पीछे कर दी थी, और यहाँ पे ये मौजूद है, देखो ऑन ऑफ, ठीक है। मैं अगर यहाँ से जाके इसको डेटा भेजता हूँ, ऑन का नहीं गया, यानी अभी सिर्फ हमने यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल किया है, एक एलसीडी को जाके क्या किया है, एलईडी को जाके कंट्रोल किया है। अगर मैं इस एलईडी को बल्ब से रिप्लेस कर दूं तो यही मेरे पास रहेगा, कंट्रोल मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। लाइट ऑन करेंगे, अब मैं आपको एक और सर, हाँ वो किसी को खुशी कीजिएगा, वो खोलो ना सर्किट, हाँ सर्किट डायग्राम खोलते हैं। अब मैं सर्किट को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एलईडी को जला के किसी को डराना नहीं, मैंने डराना किससे, बम से। अच्छा इसको सर बड़ा कर दें, ठीक है ओके। आपके पास अब थोड़ा सा चेंज है, ओके सर। अब आप बोलिएगा, मैं तो इसको हम रिले कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास हाई वोल्टेज पे काम करता है, क्या करता है, हाई वोल्टेज पे। ये आपके पास कितना था, 5 वोल्ट, ये किससे करता है, 5 वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पे लाइट्स ऑफ करूं तो ये 220 प्लस वोल्ट पे होगा, ठीक है। अच्छा मैंने जीरो पावर का बल्ब इसके लिए है, कोई भी आप बल्ब लगा सकते हैं। क्या क्या है कि इस रिले से तीन केबल्स हैं, एक 5 वोल्ट की है, एक ग्राउंड की है, और एक डेटा केबल, वही डेटा केबल है जो 13 पे मैंने भेज दिए ऑन और ऑफ के लिए, बाकी क्या है, वोल्ट और ग्राउंड है। दूसरा आपके पास ये जो आपको यहाँ पे बल्ब दिख रहा है,
बल्ब को वोल्टेज दिया हुआ है और रिले से जाके क्या शेड किया हुआ है, ग्राउंड शेड किया हुआ है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो यहां से इसको जाके नेगेटिव और इसको जाके पॉजिटिव जाके दिया हुआ है। तो आपके पास कुल इस तरीके का, मेरे पास वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, वैसे दूसरा सर्किट मौजूद है। देखिए इसको डाले सर, ठीक है, तो ठीक है, एक तार निकल गया है जो कि एक बी वाला वायर है, जो कि इधर रिले में जाके हमने क्या करना है, लगाना है। ठीक है, बाकी इसके तीन वायर्स आपको देखे, इन तीन वायर्स को रेसिप्रोकली 5 वोल्ट में और उसमें जाके क्या करना है, लगाना है। तो मैं जाके इसी सर्किट को यूज करूंगा, इसी सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा, बस क्या चेंज कर रहा हूँ, अपना आउटपुट आगे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला काम ये कि जो वायर निकली है उसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक वायर क्या हुई है, टेस्टर के लिए। ठीक है, टेस्टर के लिए। आपके वोल्ट को अप डाउन करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में जो लगी वोल्ट है वो कितने हजारों के वोल्ट में आपके वोल्ट आ रहे होते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है उसको स्टेप डाउन करता है और आपके घर तक कितना प्रोवाइड करता है, 220। तो रिले का भी यही काम है, ये क्या करता है आपका डीसी करंट से एसी करंट में क्या करता है, डीसी करंट को कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोलर जो है वो 5 वोल्ट से ज्यादा लेवल को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, जैसे 5 वोल्ट तक जो भी एक्चुएटर उनको ऊपर कर सकता है, उससे ऊपर जाता है तो फिर आपको या तो बैटरी लगानी पड़ेगी, एक में तो एसी करंट आ जाता है, जैसे फैन है आपके ऐसा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटोटाइप बोर्ड लेना पड़ेगा, दो पीसी से टाइम मुझे बता दो, टाइम 5:02 साथ में पानी 5:02 से टाइम पर हो जाए तो मसला चल जाएगा सर। तो सही, अब ये RX जी कौन सा था, जीरो था सर, उतना RX जो है ना जीरो है, TX मतलब यहां का RX जी TST में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा और ब्लैक वाला वन पे जाएगा, TX वन पे जाएगा, ये हो गया, एक वोल्ट है और एक ग्राउंड है, तो ये मेरे पास वोल्ट पे गया, ठीक है, और ये मेरे पास और यहाँ पे मैं आया और मेरे पास IN जो है वो 13 पे जाएगा, ठीक है, IN ठीक है, ग्राउंड मेरे पास ये था, इसको ग्राउंड पे लेके जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास सर इसको प्लस माइनस पे इसको लगाते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, बोर्ड आपका ये इन्होंने किया है, प्लस माइनस ठीक है, प्लस वाला कौन सा है, ये लिखा है ना, हाँ रेड वाला प्लस प्लस में जाएगा, माइनस माइनस भी जाएगा, लगा दे भाई, हाँ लगा दे,
हो गया ओके सर जी ओके फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट को आगे करते हो फर्स्ट टाइम जब आप रिले को कनेक्ट करते हो तो डायरेक्ट को फैन देके इसको ऑन कर देता है अब देखते हैं कि ये स्पेस को हैंडल करता है कि नहीं करता है हमने नॉर्मली वही कोड यूज किया है जो इसके लिए है ठीक है मगर अब मतलब ये है कि यहाँ पे जाके चीज थोड़ी सी क्या है डिफरेंट है हम वो एक एलईडी से जाके हटके एक बकायदा जो है इसमें आए सर्किटरी पे आए ठीक है कनेक्ट हुए सर सिग्नल भी जा रहा है काम नहीं स्केच काम वो जैसे ये टक करता है यानी वो नहीं करा ना कनेक्शन सही है क्या मैं भी एक मिनट चेक इसको ऑन करो मैं 13 पे है कि नहीं 8 9 10 11 12 पे सर हां 12 पे हो गया करेक्ट ठीक है चेक कर बंद करें सर लाइन ठीक है तो अब मैं ऑन कितनी रेंज है इसकी मैं अगर अबे भाई आईफोन तो चूज कर रहे थे ओके कितनी रेंज है इसकी इसकी अराउंड 10 मीटर की रेंज है और मैं यहाँ से कच्ची दूरी पे यहाँ पे क्या हूँ मौजूद हूँ जब आपको ये सिग्नल रिसीव करेगा तो रिले के अंदर आपके पास एक छोटा सा बीपर मौजूद होता है जब उसको करंट रिसीव होता है तो ये इंडिकेट कराता है ठीक है जिसके पास कार्ड है कार्ड्स की जो एलईडी होती है उस पे भी रिले लगा हुआ है तो वो भी जब आपका एटीमेट हो गया कि पल्स सही है कि नहीं है तो एटलीस्ट वो रिले को हेल्प किया जाता है तो आपके सामने इस वक्त एक पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट करके दिखाया है कि वक्त की कमी थी हमने सिर्फ एक बेसिक काम किया है इंशाल्लाह ताला जब मेरी मैनेजमेंट चाहेगी हम इससे आगे जाके बढ़ेंगे अभी तो फिलहाल हमने मोबाइल के जरिए एक किसको कंट्रोल किया है एक इस बोर्ड को मैसेज भेजा है और इस बोर्ड से जाके बोला है कि बटन को ऑन करें और ऑफ करें आप अगर यहाँ पे कहीं भी चले जाओ तो आपको बहुत ज्यादा होम ऑटोमेशन आपको मिल रही होगी यू कैन आल्सो डू इट सर ये बहुत बेसिक सर अगर तीन चार ले लेते हैं नहीं एक बोर्ड आपके पास एक छोटा बोर्ड है आप अपने थोड़ा कमर्शियल लेवल का चेंज बोर्ड होगा या मल्टीपल बोर्ड भी हो सकते हैं मगर एक ब्लूटूथ इसको क्या कर रहा है हैंडल करेगा सिर्फ एक ब्लूटूथ हैंडल करेगा मैं जाके क्या काम करूंगा मैं इसको बोलूंगा कि जी अगर मैं फर्स्ट बल्ब की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट बल्ब ही को जाके इसकी जगह टी ए बी या डिफरेंट मैसेजेस भेज के डिफरेंट चला के इसको क्या कर सकता हूं कंट्रोल कर सकता हूं बहुत सिंपल सा स्केच है बहुत सिंपल सा वर्क है यानी इसका मतलब है कि अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग भी आती है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ना बना ठीक है जी ओके मैं इसको यहाँ पे जो है क्या रखता हूँ ऑफ करता हूँ क्योंकि हमने आपके तकरीबन 2 घंटे ले लिए ठीक है इंशाल्लाह ताला जब हमें नेक्स्ट का इजाजत मिलेगी तो आपको नेक्स्ट करके दिखाएंगे मैंने यहाँ पे सिंक और से जो कोडिंग की हो किसके किया आर्डिनो के किया यानी अगर किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए एंड्रॉइड की कोडिंग करना नहीं आती तो उसका भी हल हमने बताया कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ये काम कर सकते हैं जस्ट आपको क्या बताना चाहिए इफ यू आर इन सेमेस्टर 1 डूइंग जावास्क्रिप्ट तो जो बेसिक्स का जो पार्ट होता है इफ एल्स फॉर कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल आपके पास क्लियर है यू कैन डू एनीथिंग आप आराम से कोई भी एक काम करके अपनी नीड्स को जाके क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं ठीक है मेरे पास अगर मजीद टाइम होता तो मैं इसके ऊपर जो डीएचसी सेंसर था मैं उसके जरिए आपको यहाँ के टेम्परेचर भी बता सकता था कोड लिए
मैं आपको एमबीटी भी बता सकता हूँ, ठीक है जी। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, मैं यहाँ पे जाके इसको रगड़ दूँ। किसी का कोई कमेंट, कोई सवाल हो वो पूछ सकता है।